हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हमने किए बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शंस ऑन उनकी हार। अब हम कर रहे हैं कुछ डिफरेंट एंड मोर इंटरेस्टिंग। वो होगा हमारा इंडियन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडियन पब्लिक रिएक्शन, फैंस रिस्पॉन्स ऑन विराट कोहली बैटिंग। तो चलो इंडियन रिएक्शन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे दो चैनल्स, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। विनिंग मोमेंट था, तो आपको क्या मतलब भाई? उस वक्त तो लग रहा था कि हम टीवी देखते देखते बेहोश हो जाएंगे। आखिर तक जो है दिल जो है वो यहाँ तक आ गया था। विराट कोहली ऐसे ही नाम नहीं है, वो लेजेंड है, इसीलिए क्योंकि वो ऐसे मौकों पे परफॉर्म करता है। कल का मैच मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी पूरी अभी तक जितने बड़ा हुआ हूँ इससे अच्छा मैच मैंने कभी देखा। स्पेशली विराट कोहली इनिंग, 18 पे 48 रन चाहिए थे। तो एक नफ्स होती है ना हर इंसान की, होती है कि दिल धक धक कर रहा था लिटरली लास्ट ओवर तक। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, हाथ पर कांप रहे थे। दिल आ गया था बाहर की कहीं कैच ना हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। सुबह से मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, रिक्वेस्ट आई, कमेंट आया कि जो भारत मैच जीता है पाकिस्तान से उसके ऊपर लोगों की रिएक्शन वीडियो रहे, इसलिए वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थोड़ा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में, वो बात करते हैं कल के मैच के बारे में। सर, क्या नाम? मेरा नाम परवेज अहमद है। और बताइए आगे। सर, कल का आपने मैच देखा होगा, भारत और पाकिस्तान का, आपने देखा मैच पूरा? पूरा मैच करके कल किसने, जब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है और 91,000 पब्लिक देख सकती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग वहां देखेंगे, ऑब्वियसली टीवी पे कौन छोड़ेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच। आप ये बताइए, पूरा मैच आपने देखा, आप पूरे मैच की कहानी जो आपके दिमाग में उस समय चल रही थी उसको जो है आप अपने हिसाब से बताइए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो मैच हुआ उसमें क्रिकेट जीता, दोनों ही टीमों की जो परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी। एक फर्क जो दोनों टीमों के बीच में था वो था क्लासी विराट कोहली का फर्क, और विराट का जो फर्क था उसकी वजह से इंडिया जीती है। कल की जो इतनी टर्निंग विकेट थी उस पर खेलना, और खेलने के साथ साथ आप 15 से ज्यादा का एवरेज लेके चल रहे हैं, तो वो विराट कर सकते थे और वो दोनों टीमों को ये पता था कि विराट ही कर सकते थे। क्या स्ट्रेटजी आपको पसंद है टीम इंडिया की कल, कुछ खास है बॉलिंग या बैटिंग में? देखिए, विकेट जिस तरीके से थी उस तरीके से एक तो अच्छा काम किया था कि टॉस जीत के पहले जो है आपने बॉलिंग ली थी, कि शुरू में मूवमेंट बहुत ज्यादा मिल रहा था। जब इंडिया के दोनों बॉलर्स ने स्टार्ट लिया था वहां पर गेंद बहुत ज्यादा टर्न हो रही थी, हालांकि उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक गलती वहां पे की इनएक्सपीरियंस बाबर आजम ने कि दोनों जब इनके चार विकेट गिर गए थे तो आपने दोनों साइड से स्पिन लगा दी और जमने का मौका दे दिया। जो हमारे क्रिकेटर्स चाह रहे थे, बैट्समैन चाह रहे थे, विराट को पता था, हार्दिक को पता था कि थोड़ा सा वक्त लेंगे फिर हम अटैक कर लेंगे, वो गलती की उन्होंने, उनकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी गड़बड़ थी वहां पे। टीम इंडिया की जो स्ट्रेटेजी स्पिन के खिलाफ खेलने वाली वो एकदम बढ़िया रही। इंडिया स्पिन हमेशा अच्छा खेलती है, आप मौका देंगे जमने का तो जमने के बाद तो विराट को फिर कौन रोक सकता है। किंग इज बैक, किंग तो हमेशा तो बैक ही था, वो थोड़ा वो तो क्रिकेट में होता है कभी कभी एक ऑफ सीजन चलता है, तो विराट का थोड़ा सा ऑफ सीजन है, वो 30-35 रन तब भी कर रहा था, तो उसको कहते हैं ना कि 30-40 रन विराट करे तो लगता है वो खेले ही नहीं है, वो ऐसा ही है हमारे साथ। अच्छा, जब आपने देखा कि चार विकेट गिर गया 37 रन के ऊपर, तब क्या अंदर से फील हो रहा था? भाई वहां पे तो सबको यही फीलिंग थी, जो बाहर थी वो अंदर विराट, और उनको ही पता था कि हम थोड़ा सा विकेट अगर बचा ले जाएंगे अपनी तो हो सकता है हम आखिर तक चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी कि आप शॉट खेल रहे थे और शॉट गैप में जा रहा था, अगर वही हाथ में आया होता तो हमारी टीम की और हालत खराब हो जाती। तो वहां पे एक ये फर्क रहा, और चांस लिया और चांस में सक्सेस हुए, ये उसमें बड़ा का। अच्छा, जब आपने देखा कि जो है लास्ट गेंद के ऊपर अश्विन ने एक रन लिया, मतलब चार रन चले गए थे, चौका नहीं था, तो कैसा फील हुआ? मतलब टीम इंडिया का विनिंग मोमेंट था उसके अंदर जब आप देख रहे थे तो आपको कैसा फील हुआ, क्या जो है? देखिए, मैच के बाद विराट ने भी कहा था कि जब ऐश खेलने आए थे, अश्विन खेलने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप कवास के ऊपर से शॉट ले लीजिएगा, फिर वहां पे तो चांस लेने ही लेना था, लेकिन अश्विन ने और बढ़िया स्ट्रेट थोड़ा खेल के और अच्छा खेला, मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेली और कामयाब हो गए। और हमेशा कामयाब होने के बाद तो कहा जाता है जो आपकी प्लानिंग थी वो अच्छी थी। नहीं, आप जब आप देखे, जब विनिंग मोमेंट था तो आपको क्या मतलब अंदर से फील हुआ? भाई उस वक्त तो लग रहा था कि हम टीवी देखते देखते बेहोश हो जाएंगे।
बस ऐसा ही मोमेंट था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दुआएं की जा हमने देखा नहीं था, मगर जो विराट को मैं तो चाह रहा था कि विराट को ही चांस मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया, रन आउट हो गया। लेकिन वहां पे तो लग रहा था कि बस बंद हो रही थी, और जैसे ही अश्विन ने खेला तो फिर क्या कहना। और एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखिए। क्रिकेट एक ऐसी चीज है, जैसे कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मारेंगे, वो बुरा भी नहीं माने, वो क्रिकेट के थ्रू हो सकता है और कोई लड़ाई से नहीं हो सकता है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन जो है वो सबसे अच्छा क्रिकेट है। क्रिकेट का माध्यम है, जैसा को सियासत के उससे आए हैं वो, लेकिन थोड़ा क्रिकेट से दूर रखें और एक प्लानिंग करने के बाद ही गवर्नमेंट जो तय करे उसके बाद बताएं कि हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बिल्कुल नहीं। आप फ्रंट लाइन पे आके हम क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे, वहां नहीं जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेलने अगर गवर्नमेंट मना कर देती तो ठीक है। गवर्नमेंट के मना करने से पहले ही आप बिना किसी प्लानिंग के बोल रहे हम नहीं जाएंगे नहीं आएंगे, वो क्रिकेट होना चाहिए, मेरा तो कहने का मतलब ये। अच्छा एक और चीज है कि वर्ल्ड कप में क्या लगता है कि टीम इंडिया जीत पाएगी, वर्ल्ड कप जीत के हम लोग जीत पाएंगे इस बार, आएगा हमारे पास में फिर से इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे वर्ल्ड कप, क्योंकि शुरुआत ही बहुत शानदार हुई है। इंडिया पाकिस्तान से टफ कॉम्पिटिशन किसी टीम से नहीं होता और हम जीते हैं। विराट फिर से अपने रंग में आ गए, जब विराट रंग में हो तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। 18 से 18 मैच ऐसे हुए हैं चेस करते हुए विराट कोहली ने जीता है, तो इंशाल्लाह ये 20 भी होंगे 25 भी होंगे, हम जीत जाएंगे। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? सुहेब नाम है मेरा। भाई कल का आप मैच देखे भारत और पाकिस्तान का, पूरे मैच का सिनेरियो जो रहा जो आपने देखा उसको आप बयां करिए, क्या मतलब आपके दिमाग में चला थोड़ा थोड़ा? देखिए शुरुआत ही अगर मैच के हिसाब से टेक्निकली बात करें तो भाई पाकिस्तान ने भी की शुरुआत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी बेहतर कर लिया था उस हिसाब से। और फिर इंडिया ने किया जब शुरू में 4 विकेट गिर गए तब भाई हम लोग तो उम्मीद छोड़ ही चुके थे, हमने टीवी बंद ही कर दिया था कि अब भाई कुछ नहीं होना है। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या विराट कोहली की बैटिंग, भाई मतलब ये सही बात है कि इतिहास में बहुत सुनहरे पन्नों में इनके नाम लिखा जाना चाहिए कि बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। और दिवाली सही बात है यहाँ पर मनवा दी, बल्कि हम तो आपको बताएं हमने तो यहाँ पार्टी भी दी, यहाँ पर ज़रा हट के सामने है, ज़रा हट के का बोर्ड भी लग गया है, ज़राट गेम हमने पार्टी भी दी इस बात की कि भाई चलो दिवाली है और इंडिया जीत भी गई है मैच पाकिस्तान से वो भी। अच्छा जब विनिंग मोमेंट आया, जब आप देख रहे थे लास्ट ओवर था उसमें दिमाग में क्या चल रहा था, फिर जब जीते तब फिर क्या अंदर से फील हुआ? देखिए इंडिया पाकिस्तान मैच है तो टेंशन तो बहुत हाई थी और बहरहाल मूड दोनों तरफ बार बार हो रहा था कि नहीं गया मैच, नहीं आ गया, नहीं गया। आखिर तक जो है दिल जो है वो यहाँ तक आ गया था, जब अश्विन ने आखिरी रन जो है वो लॉफ्ट कर दी बॉल तब राहत मिली कि चलो अच्छा ठीक है अब जो है हम जीत ही गए। अच्छा विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कल बहुत ही अच्छा खेले वो। विराट कोहली पे थोड़े से सवाल उठने लगे थे क्योंकि उनका फॉर्म थोड़ा सा जो है वो गिरा था इधर, बट एक बात कही जाती है अक्सर, एक फ्रेज यूज किया जाता है कि फॉर्म इज टेम्परेरी क्लास इज परमानेंट, तो ये चीज एक्चुअली यहाँ परफॉर्म आती है कि भाई वो आदमी जो है विराट कोहली ऐसे ही नाम नहीं है, वो लेजेंड है इसीलिए क्योंकि वो ऐसे मौकों पे परफॉर्म करता है। बहुत बहुत क्या नाम है भाई? शहाब। आपका नाम? कमर। भाई कल का मैच आप लोगों ने देखा इंडिया पाकिस्तान का? देखा। आप अपने हिसाब से जैसा आपने पूरा देखा एक बार एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या सिनेरियो रहा, क्या आपके दिमाग में चल रहा था जब आप मैच देखे? देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच अपने आप ही में एक बहुत ही एनर्जेटिक मैच होता है जिसको देखने के लिए लोग खासतौर से छुट्टी लेते हैं, लेकिन कल का मैच मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी पूरी अभी तक जितने बड़ा हुआ हूँ इससे अच्छा मैच मैंने कभी देखा, और स्पेशली विराट कोहली ही नहीं, मतलब उसके लिए आप अल्फाज नहीं दे सकते हैं। शुरुआत में क्या लग रहा था जब आप देख रहे थे मैच, शुरुआत में आपको क्या लग रहा था? 37 के ऊपर 4 विकेट हो गए थे तो क्या दिमाग में चल रहा था आपके? देखिए 37 पे 4 विकेट हो गए थे तो जाहिर सी बात है थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग चेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन एट दी एंड विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप ने काफ़ी अच्छा किया, और जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया है टीम इंडिया ने और एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ इस बार वर्ल्ड कप की शुरुआत की है तो देख के काफ़ी अच्छा लगा, और इसी तरह आगे करते रहें वो लोग तो इंशाल्लाह जीत अपनी ही होगी। अच्छा आपने जब मैच देख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक पहला सिनेरियो ऐसा आया कि एक जगह पर हम लोग को लग रहा था कि गया मैच, फिर कैसे मतलब इतने टक्कर का मैच था पूरा मैच? जब 4 विकेट हो गए तो ऐसा लग रहा था कि मैच बस अब खत्म ही है, लेकिन विराट कोहली के ऊपर पूरा भरोसा था कि विराट कोहली जब तक है तब तक मैच में अभी मुझे सब कुछ है, इसीलिए मतलब देखने में तब तक मजा आ रहा था, मुझे पता नहीं अंदर से क्या हुआ था और करता ही रहा फिर मैच। किंग कोहली बैक वाला जो है वो एकदम सही है।
एकदम सही है। देखिए सीनियर मोस्ट प्लेयर का उनको जो खिताब इस समय है टीम इंडिया के पास, तो उन्होंने बखूबी उस चीज़ को निभाया है और किंग कोहली इज बैक, उनके जैसा इस समय टीम इंडिया में कोई नहीं है। और ये बात सच है हर एक प्लेयर को ऐसा होना फर्स्ट डाउन में एज ए बैकबोन उनसे अच्छा कोई बैकअप कर नहीं सकता है विद एन एक्सपीरियंस। तो किंग कोहली बेस्ट है, क्या कहेंगे विराट? किंग कोहली बेस्ट है ही है। क्या फैंटास्टिक रिएक्शंस हैं हमारे इंडियंस के। और वही है ना कि भैया यहाँ तक दिल आ गया था, मेरा तो दिल ही धड़कना बंद हो गया था, मैंने कहा मैंने तो मर जाना है। मैं तो देख रही थी, मैंने कहा ये तो देख रहे थे यार, जो बंदा स्कोर कर रहा है उसकी हालत ऐसी हो रही, तो देखने वाला क्या होगा। मैं सोच रही हूँ कि मुझे देखने को बोला होता तो मैं तो आंखें बंद करके बोझ बोल रही होती, बता दो कोई मुझे क्या हो रहा है, मेरा तो ये हालत था। बट दिस इज अमेजिंग, जो जो देख रहे थे ना उनके लिए जो ये एक्सपीरियंस होगा ना, ये ऐसा होगा कि जिंदगी भर नहीं भूल सकते तुम लोग, क्योंकि ऐसी मतलब वो फीलिंग और वो घबराहट और वो सब था, मतलब भगवान जी का भी नाम ले रहे हो और लग रहा है कि हाय कुछ हो जाए, हाय छक्का लग जाए, कोई चमत्कार हो जाए, चौका कोई दोनों में से मार दे, कुछ हो जाए। राइट, बस इतना होप है कि अब ऐसे ही अच्छा खेलते रहे टिल वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप भी लेके आए। नहीं, पर एक प्लेयर के ऊपर सारा जो टीम का था वो नहीं होना चाहिए, हर एक प्लेयर को इसी तरह से विराट कोहली ने जैसे खेला वैसे हर कोई अच्छा खेलेगा, मजा आ जाए यार, मजा स्टार्टिंग से आपको लगेगा जीते और जीते। वही कह रहे ना, जब चार विकेट गई, मैंने जब देखा था तब मेरे ख्याल से तब चार या पांच ही गई हुई थी, चार गई थी शायद तो, पर मेरे को अभी जो है देखिए काफी अभी जो भी सिचुएशन हुई ये पता लगा है कि आप जिसके साथ खेल रहे थे उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि आप बेयरली जीते हैं। अगर आप बहुत मार्जिन से जीते होते तो आप कह सकते थे हमारा स्किल सेट बहुत ही अच्छा है, हमारी दूसरे के लिए स्किल नहीं है। एग्जैक्टली, अब लग रहा है कि उनका स्किल भी इस वक्त जो है आपके इक्वली आ रहा है, अगर आप बेयरली इतने से जीते हैं, जब किस्मत कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए एंड ऑफ द डे। और उसके बाद मैं लॉजिकल ये सोचता हूँ, जहाँ पे इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, इतना जबरदस्त हमारा GDP सब कुछ है, उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि इजिली आप लोगों को हराना चाहिए, हमारी टीम आए सब धड़धड़ कांप पे। हाँ, सब कि ये इतनी पावरफुल कंट्री है, ये इतने जबरदस्त प्लेयर्स हैं, ये है मेरा सपना, इनसे कौन कंपीट कर सकता है, ऐसा इनसे तो जीत सोच ही नहीं सकते। ये होना चाहिए, हर टीम ये सोचे कि इंडिया आ गया भैया, जीत तो अब अपनी है नहीं, यही लेग जीत के जाएंगे। अगर अभी किसी से भी आप क्रिकेट खेलते हैं, जितनी भी कंट्रियां क्रिकेट खेलती हैं उसमें सबसे पावरफुल कंट्री अब इंडिया है, देख लीजिए आप GDP हमारा मैक्सिमम, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसका GDP हमसे ज्यादा हो, ज्यादा पावरफुल हो। तो वेरी नाइस और बेस्ट ऑफ लक, मेरे को यही है कि ऐसा ही खेलते रहे और वर्ल्ड कप भी लेके आए। विराट कोहली इज द किंग, वो तो उन्होंने दिखाई दिया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बस ऐसे किंग समझ लो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।